अगला प्रश्न है, अचर त्रिज्या आर का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशाक्षों को बिंदु ए बी सी पर काटता है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का बहुपद 9 ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4r² है। देखो ये तो हमारे हो गए निर्देशाक्ष, एक्स वाई जेड ये हमारा मूल बिंदु है, गोला निर्देशाक्षों को ए बी सी पर काटता है। तो ए बिंदु हमने यहां ले लिया निर्देशांक ए 0 0, बी ये बिंदु है निर्देशांक हो गए 0 b 0 और सी बिंदु यहां है जिसके निर्देशांक हो गए 0 0 c। इन तीनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। इसका केंद्रक स्पष्ट है कि केंद्रक क्या होगा, केंद्रक के निर्देशांक हो गए a प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 3 अर्थात a बाई 3, 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3 तो b बाई 3 और 0 प्लस 0 प्लस c अपॉन 3 अर्थात c बाई 3। ये हमारे त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक सेंट्रोइड के निर्देशांक हो गए। अब प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि जो गोला है वो ए बी सी से गुजरता है और बिंदु ओ से गुजरता है जिसके निर्देशांक है 0 0 0। तो मान लेते हैं कि गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस b बराबर 0 है। क्योंकि गोला 0 0 0 से गुजरता है तो उससे हमें क्या मिलेगा, d बराबर 0, जैसा हमने पिछले प्रश्नों में किया है। तो चूंकि गोला 0 0 0 से गुजरता है तो ये सब मान 0 हो जाएंगे अर्थात d का मान 0 हो जाएगा। समीकरण में मुझे x y z के मान 0 रखने हैं जो हमें देता है d बराबर 0। अब इस बिंदु a से गुजरता है तो x के स्थान पर a लिखूं, y 0 हो गया, z 0 हो गया, यहां समीकरण क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ua, d हमारा पहले से 0 है तो ये मान 0 के बराबर हो गया जो हमें देता है 2u = -a। इसी प्रकार हम क्या प्राप्त करते हैं कि 2v बराबर होगा -b तथा 2w बराबर -c, ये हमने पिछले प्रश्नों में भी किया है। इन मानों को मैं यहां रख देता हूं तो हमारा गोले का समीकरण क्या हो गया, गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। डी हमारा 0 के बराबर है तो d का मान 0 रख दिया, 2u का मान माइनस ए, 2v माइनस बी और टी 2w बराबर माइनस सी, ये मैंने मान रख दिए। ये हमारे गोले का अभीष्ट समीकरण हो गया। अब हम मान लेते हैं कि गोले का जो केंद्र है वो है FGH। तो माना गोले का केंद्र FGH है तथा त्रिज्या क्या है, त्रिज्या हो जाएगी अंडर रूट यू स्क्वायर अर्थात माइनस ए बटे 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस ए बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी बटे 2 का होल स्क्वायर। डी हमारा पहले से 0 है, इसको कैलकुलेट कर लिया तो 1 अपॉन 2
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। त्रिज्या देखो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, त्रिज्या आर के बराबर है, तो ये मान हमारा आर के बराबर है। अब गोले का केंद्र जो है वो क्या है, एफ जी एच, और हमने क्या प्राप्त किया है कि केंद्रक है ए बाई थ्री, बी बाई थ्री, सी बाई थ्री, तो ये दोनों मान बराबर होंगे, अर्थात एफ बराबर हो गया हमारा ए अपॉन थ्री, जो हमें देता है ए का मान थ्री एफ के बराबर। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार जी बराबर हो गया बी बाई थ्री, जो हमें देता है बी बराबर थ्री जी, और सी बराबर हो गया थ्री थ्री एच, ये थ्री है। इन मानों को मैं यहां रख देता हूं, तो दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री एफ का होल स्क्वायर, अर्थात नौ एफ स्क्वायर प्लस थ्री जी का होल स्क्वायर, ये हो गया नाइन जी स्क्वायर प्लस नाइन एच स्क्वायर। दोनों पक्षों में हमने स्क्वायर किया, तो दिस इंप्लाइज फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, मैं कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में क्या आ गया, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब स्पष्ट है कि मुझे बिंदु पथ ज्ञात करना है, तो मुझे एफ जी एच को एक्स वाई जेड से रिप्लेस करना है, तो इसलिए अभीष्ट बिंदु पथ का समीकरण क्या हो जाएगा, अभीष्ट बिंदु पथ का समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, ये फोर आर स्क्वायर बराबर नौ एफ जी एच को मुझे एक्स वाई जेड से रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यही हमें यहां सिद्ध करना है, इति सिद्धम। तो इस प्रश्न में हमने क्या किया है, देखो इस प्रश्न में सबसे पहले तो हमने ए बी सी जो बिंदु हैं निर्देशांक निर्देशाक्षों पर हैं उनके कोऑर्डिनेट ए जीरो जीरो, जीरो बी जीरो और जीरो जीरो सी ले लिए, केंद्रक के हमने निर्देशांक प्राप्त कर लिए जो कि त्रिभुज का केंद्रक है, यही जो बिंदु होगा ये गोले का केंद्र होगा। अब गोले के समीकरण को हमने जो मानक रूप होता है उसमें मान लिया, तीन बिंदु है, एक तो जीरो जीरो जीरो, इससे गोला गुजरता है तो डी का मान जीरो आ गया, जब ए जीरो जीरो से गुजरता है तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बराबर टू यू ए बराबर जीरो से हमने टू यू का मान माइनस ए प्राप्त कर लिया, और इसी प्रकार टू बी और टू डब्ल्यू के मान भी प्राप्त कर लिए। अब गोले के समीकरण में हमने यू बी और डब्ल्यू के मान रख दिए, तो हमें गोले का समीकरण प्राप्त हो गया। हमने मान लिया कि एफ जी एच जो है वो गोले का केंद्र है, एफ जी एच की तुलना हमने ए बाई थ्री, बी बाई थ्री और सी बाई थ्री से कर दी, तो हमें ए बी सी के मान एफ जी एच के पदों में आ गए। त्रिज्या में हमारा सूत्र कौन सा है, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस बी, इसके हमने मान रख दिए, और ए बी सी को मैंने एफ के पदों में लिख दिया, एफ जी एच को हमने एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दिया। सबके समझ में आ गई बात। अब हम एक अगले प्रश्न को लेते हैं, ये प्रश्न जो है ये भी काफी यूनिवर्सिटीज में आया हुआ प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं, एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या न्यूनतम है। प्रश्न राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकानेर और कोटा यूनिवर्सिटी में आया हुआ प्रश्न है। देखो हम मान लेते हैं कि गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर जीरो, जो कि हमारा व्यापक समीकरण है। एक जीरो जीरो इस समीकरण में रखें क्योंकि ये गोले पर स्थित बिंदु है, तो हमें क्या मिलता है, एक प्लस ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, टू यू प्लस डी बराबर जीरो।
इसी प्रकार 0, 8, 0 रखने से हमें क्या मिलता है, 1 + 2v + d बराबर 0, और 0, 0, 1 रखने से हमें क्या मिलेगा, 1 + 2w + d बराबर 0। पहले समीकरण को हल करें तो हमें क्या मिलेगा, 2u = -d + 1, अर्थात u बराबर हो गया -1/2d + 1। इसी प्रकार हम v का मान भी निकाल सकते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, -1/2d + 1, और w बराबर हमारा क्या हो गया, -1/2d + 1। हमें क्या किया है, तीनों दिए गए बिंदु गोले के समीकरण में रख दिए और हमने u, v और w के मान d के पदों में प्राप्त कर लिए। अब इस समीकरण से हमको क्या मिलता है कि केंद्र के निर्देशांक क्या है, केंद्र के निर्देशांक हैं -u - -v - -w, और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या बराबर है √u² + v² + w² - d। ये हमारी त्रिज्या है, तो इसलिए r² बराबर क्या हो गया, यदि त्रिज्या r ले लें तो r² बराबर u², u का मान रख दें 1/4 d + 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार v² कितना हो जाएगा, 1/4 मैंने कॉमन ले रखा है, तो d + 1 का होल स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर, 1/4 कॉमन है, d + 1 का होल स्क्वायर माइनस d। ये हमारा r² का मान हो गया। इसको हम चाहे तो सरल कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3/4 d² + 2d + 1 - d। ये हमारा r² का मान आ गया। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, त्रिज्या न्यूनतम है, जब r न्यूनतम है तो r² भी न्यूनतम लेना होगा, तो हमें अवकलन करना चाहिए d के सापेक्ष। तो d के सापेक्ष, जैसे हम मैक्सिमम मिनिमा के प्रश्न करते हैं, तो d के सापेक्ष अवकलन करने पर dr² / dd बराबर 3/4 d² का हो गया 2d + 2 - 1, और ये मान 0 के बराबर करना है, तो दिस इज इक्वल टू 0। हमें जो d के मान प्राप्त होंगे वो हमें क्या बताएंगे, या तो उस उन बिंदुओं पर या उस बिंदु पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो इसको बराबर 0 कर दिया, हल किया इसको, तो 3/4 2d + 2 = 1। इसको दूसरे पक्ष में ले गए, दिस इंप्लाइज मल्टीप्लाई किया तो 3/2d + 3/2 = 1 के 3/2d = 1 - 3/2। ये मान कितना आ गया, ये आ गया -1/2। 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, तो इसलिए d बराबर हो गया -1/3। तो हम क्या पाते हैं कि d बराबर -1/3 पर या तो r² का मान अधिकतम है या r² का मान न्यूनतम है। ये भी कह सकते हैं कि r का मान अधिकतम है या r का मान न्यूनतम है। अब मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूं, तो मुझे डबल डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, पुनः अवकलन करने पर इसको पुनः अवकलन किया तो 3/4 2d का हो गया 2 और 2 का हो गया 0 -1 का 0। ये मान कितना आ गया, 3/2। अर्थात मैं क्या पाता हूं कि d2r² / dd > 0 है।
ये डी हमने जो ये वाला डी ले रखा है वो है और ये अवकलन का है, तो ये धनात्मक है। ये मान कैसा है? धनात्मक है। अर्थात जो हमने डी का मान ये प्राप्त किया है कि हमें क्या दे रहा है? न्यूनतम मान दे रहा है। तो डी बराबर माइनस एक बटा तीन पर आर स्क्वायर न्यूनतम है, अर्थात आर न्यूनतम है। अब मैं डी बराबर माइनस एक बटा तीन समीकरण में रख देता हूं, तो मैं इधर से इसको मिटा देता हूं और डी बराबर माइनस एक बटा तीन रख के यू वी और डब्ल्यू के मान कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यू बराबर कितना हो जाएगा? माइनस एक बटा दो माइनस एक बटा तीन प्लस एक, ये हो गया माइनस एक बटा दो, दो बटा तीन, दो से दो कैंसिल हो गया, मान आ गया माइनस एक बटा तीन। यू बराबर माइनस एक बटा तीन। इसी प्रकार वी भी कितना हो जाएगा? वी बराबर भी हो गया माइनस एक बटा तीन, तथा डब्ल्यू भी हो गया माइनस एक बटा तीन। समीकरण में रख दिया मान, तो अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू अर्थात माइनस एक बटा तीन एक्स प्लस टू वी मान रख दिया वाई प्लस टू डब्ल्यू मान रख दिया जेड बराबर माइनस एक बटा तीन, बी का मान माइनस एक बटा तीन बराबर जीरो। ये हमारे को प्राप्त हो रहा है। तीन एलसीएम ले लिया, जो क्रॉस मल्टीप्लाई में जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो मान जीरो हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज तीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड माइनस एक बराबर जीरो। ये हमारा अभिष्ट गोले का समीकरण होगा। मैंने क्या किया? तीन को एलसीएम लिया तो ये तीन से मल्टीप्लाई हो गया, शेष मान ये आ गया। तीन जो हमने एलसीएम लिया है वो जीरो से मल्टीप्लाई होके यहां जीरो आ गया। ये हमारे अभिष्ट गोले का समीकरण होगा। तो यहां इस क्वेश्चन में हमने देखो क्या किया है। इस क्वेश्चन में पहले तो मैंने जो गोले का समीकरण माना था उसमें इन तीनों बिंदुओं को रख दिया और u, v और w के मान ज्ञात कर लिए। अब क्योंकि r स्क्वायर मैं निकाल सकता हूं, u, v, w और d यदि मुझे पता है तो मैं r स्क्वायर का मान निकाल सकता हूं, अर्थात r का मान निकाल सकता हूं। तो r यदि न्यूनतम है तो r स्क्वायर भी न्यूनतम होगा। मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू d, ये वाला d, तो और उसको जीरो के बराबर कर दिया जैसा कि हम मैक्सिमा मिनिमा के प्रश्नों में करते हैं। तो मुझे d का मान माइनस एक बटा तीन प्राप्त हो गया। अब उस पर मैंने चेक किया कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके लिए मैंने दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया, मान धनात्मक पाया, तो इसका मतलब यह हुआ कि r स्क्वायर का जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया है वो मुझे d का कैसा मान दे रहा है, जबकि r कैसा है? न्यूनतम है। और उस मान के लिए d बराबर माइनस एक बटा तीन के लिए मैंने यू वी डब्ल्यू के मान प्राप्त कर लिए, उनको मैंने समीकरण में रख दिया और अभिष्ट गोले का समीकरण प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने दो अच्छे प्रश्नों को देखा है जो कि पिछले वर्षों में यूनिवर्सिटीज में आए हुए हैं। अब हम अगले प्रश्नों को देखेंगे। अब हम अगले वीडियोज में अन्य प्रश्नों को देखते हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग बाग इसका फायदा ले सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।